हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिन। सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड उसका एक पार्ट पढ़ा था फूड, कि फूड में हम डिफरेंट वैरायटी के फूड हम खाते हैं। तो स्टूडेंट, आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेडिसिन। जैसे प्लांट्स से मेडिसिंस भी बनते हैं, आप कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको टू पिक्चर दे रखी है, आपको दिख रही है ना। तो यहाँ पे एक तो मिंट है और एक नेक्स्ट आप पिक्चर देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं सिंकोना ट्री। ये होते हैं सिंकोना ट्री, जिससे मेडिसिन बनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज नीम, क्लॉव मीन्स लॉन्ग जो होती है, आप देखते हो लॉन्ग, एंड तुलसी आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिंस। तो ये जो आपको नाम बताए गए हैं, नीम, क्लॉव, तुलसी, इनका ये डिफरेंट काइंड की तरह की अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाने के लिए इनको यूज़ में लिया जाता है, इनसे मेडिसिन बनाई जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो लिखा हुआ है द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री, और जो सिंकोना ट्री की बार्क होती है ना, उसको क्या यूज़ में लेते हैं, या फिर यहाँ पे देख के एक स्पेलिंग आप देख रहे हो कि QUINNE, इसको बोलते हैं कुनैन। तो स्टूडेंट, ये होती है, ये एक ट्री होता है जो मलेरिया जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उसकी दवाई बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पे आपको दे रखा है ना कि इज़ यूज टू मैक कुनैन एंड ए मेडिसिन दैट ट्रीट्स दैट डिजीज़ मलेरिया, जो मलेरिया बीमारी होती है उसके इलाज के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है वो इस ट्री से बनाई जाती है, कुनैन से। ओके, एंड जो लॉन्ग नेम सिंकोना ट्री होते हैं, इनसे क्या बनती है, मेडिसिन बनती है, तुलसी होती है, तो ये मेडिसिन के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है फाइबर, दिख रहा है ना फाइबर। तो स्टूडेंट, फाइबर हमें अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें अपन ने पढ़ा था कि हमें प्लांट से क्या कौन सा फाइबर मिलता है, हमें कॉटन मिलता है ना। एंड यहाँ पे आपको दो बता रखे हैं, कॉटन एंड जूट। जो बैग आप देख रहे हो वो किसका बनता है, ये जूट का बनता है, जो हमें किससे मिलता है, ट्री से मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन एंड जूट आर टू फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन और जूट होते हैं वो टू फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड कॉटन इज स्पन टू मैक कॉटन क्लॉथ्स, और जो कॉटन हमें मिलता है उसको बुना जाता है कॉटन क्लॉथ्स में, उसके बाद उसके कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो तो वी यूज जूट टू मैक, अब जो जूट होता है उसे क्या क्या बनता है, क्लॉथ्स बनते हैं, और रॉप्स मीन्स रस्सी जो आप देखते हो वो भी जूट से बनती है, एंड बैग्स, तो ये सब किससे बनते हैं, जूट से बनते हैं। जूट एक फाइबर होता है, उससे क्या क्या बनता है, क्लॉथ्स बनते हैं, रॉप्स मीन्स रस्सी बनती है, एंड बैग्स जो होते हैं वो भी जूट से बनाए जाते हैं। तो हमें नेचर से कौन सा फाइबर मिलता है, कॉटन एंड जूट। तो ये आपके टू टॉपिक है, मेडिसिन एंड फाइबर। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है और इनको रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।